मुजफ्फरनगर में श्री 108 नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर सुरेंद्रनगर में भव्य कलश स्थापना की आयोजन किया गया। श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुरेंद्रनगर में अपना 19वां चतुर्थ मास स्थापित करते हुए जैन मुनि मंगलानंद सागर महाराज ने राष्ट्रीय समस्याओं को संदर्भित किया। मंगलानाथ ने कहा कि सर्वपक्ष पातेषु स्वदेश पश्चातो महान अर्थात सभी प्रकार के पश्चातापों से ऊपर राष्ट्र का पक्ष होता है, इसीलिए सभी को चाहिए कि जात पात आर्थिक सामाजिक और धार्मिक पक्षपातों को विशेष महत्व न देते हुए राष्ट्रीय पक्षों को अधिक महत्व दे जिससे राष्ट्र समृद्ध हो सके, क्योंकि राष्ट्र की समृद्धि से हमारी व्यक्तित्व समृद्धि होती है। कि यह परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम तपस्वी संत परम पूज्य मुनि श्री मंगलानंद सागर जी महाराज का चतुर्मास कराने का सौभाग्य मिला है। महाराज श्री को हम दिल्ली से पद यात्रा कराते हुए मुजफ्फरनगर लाए हैं। बड़े ही तपस्वी संत है। इस चतुर्मास के अंदर 4 महीने के अंदर, क्योंकि जीव दया का ज़्यादा भाव रहता है, इसीलिए संत एक स्थान पर 4 महीने साधना करता है और संत के आचरण और सानिध्य से समाज को भी लाभ होता है। करीब 40 जगह की समाज गुरुदेव के चतुर्मास कराने के लिए उन्हें बाध्य कर रही थी, लेकिन हम मुजफ्फरनगर वासियों का ये परम सौभाग्य है कि ये चतुर्मास कराने का सौभाग्य हमें मिला। इसी श्रृंखला में आज के दिन इस चतुर्मास की मंगल स्थापना की जाती है। ये स्थापना सामाजिक क्रिया है, संत को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम समाज के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध होते हैं कि एक मंगल कलश बना करके हम मंदिर जी में विराजमान करते हैं और 4 महीने के लिए संकल्प लेते हैं कि संत की आहारचर्या, उसका विचरण और उससे जो समाज को धर्म का लाभ हो वो मिलता रहे। महाराज साहिबाबाद से पदविहार करते हुए मुजफ्फरनगर सुरेंद्र नगर में विराजमान है। मंगल कलश स्थापना में साहिबाबाद गाजियाबाद मेरठ शाहपुर सूर्य नगर सभी जगह से भक्त आए। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक अशोक कंसल, वीरपाल निर्वाल और सभापद प्रियांशु जैन मौजूद रहे। सभी ने महाराज का भक्ति भाव से पूजन एवं दर्शन किया।